उन्होंने मुहिम शुरू की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ें जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़े जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ी। अब इसमें खरा साहब से मैं कहूँगा ये कुछ कहना चाहे तो वुड यू लाइक टू से समथिंग। Protect the soul of the Kashmir. Because the one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir, which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. अलायंस का जो स्पिरिट है, अलायंस का स्पिरिट जो है, डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने बताया, ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को अंडरस्टैंड करते हुए और कुछ कंटेंशियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा से उसको रिव्यू किया और फाइनली हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए जिसके तहत आउट ऑफ 90 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटेस्ट 51 सीट्स, क्लियर 51 सीट्स। अगर क्लरिकल कुछ होगा 32 एंड वी हैव एग्रीड और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी जहाँ पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर फ्रॉम बोथ साइड्स एंड वी हैव नैरोड इट डाउन to 5 seats and over and above these 88 seats we have left one seat for CPIM and one seat for Panthers party, so in total it comes to 90 seats jisme se first phase mein 24 seats jiske waste kal last day of nomination hai, then second phase mein 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं और उसमें हर फेज में वी हैव अ स्टेटेड नंबर, एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है और उसी के हिसाब से वील स्टार्ट आवर इशूइंग द दिस मैंडेट्स फ्रॉम राइट नाउ। What about the other five seats so far?